देश के कई राज्यों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का दौर जारी है। बिहार की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि यहां आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल व कर्नाटक में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बारिश और ओलेवृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश होगी। यहां धूल भरी आंधी भी चलेगी। दूसरी तरफ देश के कुछ राज्यों में गर्मी का असर भी प्रचंड तौर पर चल रहा है। राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना में तापमान 42 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में शनिवार को सबसे ज्यादा 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन मौसम के अनुमान को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी 6 राज्यों में बिजली गिरने का अनुमान है। 3 राज्यों में बारिश का अगले 3 दिन तक अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने का अनुमान है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी चलेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। केरल, कर्नाटका और तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि मानसून के अच्छे संकेत धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। प्रशांत और हिंद महासागर में अच्छी बारिश के लिए जरूरी बदलाव दिखने लगे हैं। दुनिया की तमाम मौसम एजेंसियां पूर्वानुमान लगा रही थी कि मानसून के पहले महीने में अलनीनो खत्म हो जाएगा और कुछ हफ्तों की न्यूट्रल कंडीशन के बाद लानीना के हालात बनने लगेंगे। अमेरिकी एजेंसी और ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो ने पुष्टि की है कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्र प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में तापमान तेजी से घट रहा है। दूसरी तरफ IMD ने पुष्टि की है कि इंडियन ओशियन डायपोल कंडीशन पॉजिटिव हो रहा है, जिससे ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि इस बार मानसून में जबरदस्त बरसात होगी।